मिट्टी के घरौंदे पांव पे बनाता है और उन्हें मिसमार कर देता है। वो कभी आपने देखा होगा कि बच्चे रेत में अपना पांव रख करके ऊपर से रेत थपक लेते हैं और फिर पांव होले से निकाल लेते हैं, बच जाए तो बड़े खुश होते हैं, और जब खेल खत्म हो जाते हैं तो उसे गिरा देते हैं अपने हाथों से। बहलोल भी इसी शुगल में लगा हुआ है। बहलोल ये काम कर रहा है, घरौंदे बनाता है गिराता है, घरौंदे बनाता है गिराता है। बादशाह गुजरा, पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? हंस के कहा, जन्नत के मकान बना रहा हूं। कहा, बेचते हो? हाँ बेचता हूँ। कितने का? 10 रुपए का। सेल लगाई हुई है। बादशाह मुस्करा के गुजर गया। दीवाना है, मजनू है, अपनी मौज में लगा है। पीछे से मलिका जुबैदा भी आ रही थी, उसने भी देखा, कहा, बहलोल क्या कर रहे हो? कहा, जन्नत के मकान बना रहा हूँ। कहा, बेचते हो? हाँ 10 रुपए का बेचता हूँ। 10 रुपए बादशाहों के लिए क्या होते हैं? 10 दिरहम निकाले, उसको दिए, उसने दरिया दजला में फेंक दिए। फकीर उतनी देर तक फकीर नहीं बनता। दाता साहब फरमाते, जब तक मिट्टी का ढेला और सोने की डली उसकी नजर में बराबर नहीं हो जाता। और एक मकान के गिर्द, एक वो घरौंदे के गिर्द दायरा लगाया, कहा, ये तेरा हुआ। मलिका गुजर गई, बादशाह भी चला गया। शाम को अपने महल में पहुंचे, बादशाह सोया, मंजर जागा के हशर का दिन है, फिर जन्नत का मंजर है, जन्नत में बड़े बड़े खूबसूरत मकान है। एक मकान तो बड़ा ही अच्छा लगा, तो जी चाहा कि इस मकान को देखूं। तो जब करीब गया तो दरवाजे पे लिखा था मलिका जुबैदा। शौक से आगे बढ़ा तो दरबान ने रोक दिया, कहा, ये मलिका का है? कहा, वो मेरी ही मलिका है। कहा, दुनिया के जाब्ते और हैं, आखरत के जाब्ते और हैं। बादशाह की आंख खुल गई, बेचैन हो गया, मलिका को बेदार किया, कहा, तू कौन सा नेक अमल किया है? मैंने जन्नत में तेरा यूं माल देखा। मलिका कहने लगी, वही मामूल की नमाजें, वही सब कुछ, कोई नया काम तो मैंने किया नहीं। हाँ याद आया, कल गुजर रही थी, दजला का किनारा था, वो जिसे लोग मजजूब कहते हैं, वो जो दीवाना कहलाता है, वो बहलोल, वो जन्नत के महल कहता था, वह बना रहा था। मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं, फकीर है, 10 रुपए क्या होते हैं। तो मैंने 10 रुपए का एक महल खरीदा था। बादशाह सर पकड़ के बैठ गया, वो तो मुझे भी कहता था। मैं दीवाने की बात समझ के गुजर गया। अगले दिन बादशाह कसदन गुजरा। जब कसदन गुजरा ना, तो दिल धड़क रहा था कि कहीं मजजूब फिर आज मिल जाए और उसी मौज में हो तो काम बन जाए। देखा तो बहलोल वहां बैठा हुआ है। आगे बढ़ के देखा तो काम भी वही। बादशाह फिर रुक गया, पूछा, अब बहलोल क्या कर रहे हो? अब दिल धड़क रहा था कि मजजूब है, कोई और बात कह दे तो चलो अच्छा हो कि वही जवाब दे दे। उसने वही जवाब दिया, जन्नत के महल बना रहा हूं। बादशाह का कुछ दिल ठहरा, फिर कहा, अच्छा बेचते भी हो? हाँ हाँ बेचने के लिए बना रहा हूं। बादशाह उधर जेब में हाथ डाल रहा है और उधर पूछ रहा है, कितने का? कहा, आधी हुकूमत लगेगी। कहा, कल तो 10 रुपए के बता रहे थे। कहा, कल तुमने देखा नहीं था, आज सौदा देख के ले रहे हो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नमा तुनज़िरु मनित्तबा ज़िक्रा व खशिया रहमान बिल गैब। जो अनडिठे सौदे करते हैं, जो बगैर देख के करते हैं। अच्छा चलो एक खुशखबरी मैं आपको भी सुनाऊं, और वो खुशखबरी रसूलुल्लाह की जुबान से। हुज़ूर ने फरमाया, तूबा लिमन रआनी व आमना बी व तूबा सबअ मर्रातिन मन लम यरानी व आमना बी। फरमाया, सहाबा तुम्हें मुबारक हो ईमान की, कि तुमने मुझे देखा और मेरे ऊपर ईमान लाए। और कहा, उन्हें 7 मुबारकें हों जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं होगा और फिर भी ईमान लाएंगे। इन्नमा तुनज़िरु मनित्तबअ ज़िक्रा व खशिया रहमान बिल गैब फबश्शिरहु बिमग़फिरतिन व अज्रिन करीम। उनको बशारत दे दीजिए बड़ी इज्जत वाले अजर की और खुशखबरी भी। तो जिस अजर को मेरा रब भी करीम कह रहा है, वो अजर कैसा होगा? तो यहां तो लहजा दम तोड़ता है और अल्फाज साथ नहीं देते कि अजर करीम की क्या तारीफ करें जिस अजर को मेरे